बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सस्रिया, नमस्ते। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम जा रहे हैं बैक टू लाहौर। कवाई से हम निकल पड़े हैं बाय पैदल। इंशाल्लाह बेज़निल्लाह 40-45 मिनट पैदल ड्राइविंग के बाद हम कवाई के स्टॉप पर होंगे। बैग हमारा उधर होटल पे ही पड़ा है। रात हमने इधर गुजारी है। ये पीछे आपको जो घर नज़र आ रहा है, रात हमने इधर गुजारी है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी खुशगवार गुजरेगा। आपकी दुआओं से, मोहब्बतों से हम बाहिफाजत लाहौर पहुँच जाएंगे। दुआओं में याद रखें। तो देखें कवाई भाई पैदल। प्यारे दोस्तों, ये है रास्ता। कवाई का दुश्वार भी है और कहीं से आसान भी है। ये देखें, यहाँ से हम आए ऊपर से और नीचे हम जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए आए थे, बिज़निल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो काम भी हमारा हो गया। दिल को बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि लाहौर जिस मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह पाक ने वो मकसद पूरा कर दिया। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ रहें, हमारा ये ब्लॉग लाइक करें, कमेंट्स करें और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। इस टाइम हम पैदल उतर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कवाई वो सर ज़मीन है। आप एक दफ़ा कवाई आएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आप बार 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 कवाई आएंगे। उतरते हुए थोड़ा सा पीछे को झुक के उतरना पड़ता है। ये पहाड़ों के कुछ असूल होते हैं। इन असूलों पे आप चलेंगे तो आप रैकिंग बड़ी अच्छी तरह कर सकेंगे। तो जब चढ़ाई आए तो अपना आपको झुका लें आगे को, कदम बड़े ना उठाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं। इंशाल्लाह आपको थकान भी नहीं होगी और आप मंजिल मकसूद तक बाहिफाजत बासानी पहुंच जाएंगे। ये देखें पहाड़ों के दामन में हमारी कवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आधा सफ़र हमारा हो गया, तकरीबन आधा सफ़र रह गया है।
माशाल्लाह बशीर भाई ने ये जैकेट हमें छोड़ गए थे इधर, माशाल्लाह इस जैकेट ने बहुत बहुत आसरा दिया है। यहाँ सर्दी की शिद्दत बहुत है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आधे घंटे बाद हम नीचे रोड पे होंगे। तो प्यारे दोस्तों धूप भी है, बादल भी है, हवा भी है और एक खुशबू भी है, एक खुशी भी है। पहाड़ों में जब बंदा आता है तो बड़ा ही खुश होता है, मगर जब इधर से जाना होता है तो दिल उदास उदास हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर। ये नदी है और नदी के साथ साथ है सड़क। प्यारे दोस्तों ये है कवाई की सरजमी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आगे दो रास्ते बनते हैं, एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है, एक रास्ता ये नीचे जा रहा है। तो आपने इस रास्ते से नहीं जाना, ये ऊपर गांव में जाता है, तो ये रास्ता आपने तैयार करना है। ये रास्ता हमें लेके जाएगा कवाई अड्डे पे। तो हमारे साथ रहें, देखें लवली दोपहर कवाई और हम जा रहे हैं नीचे अड्डे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। प्यारे दोस्तों ये है कवाई में ट्राउट फिश का फार्म। इधर से बेच रहे हैं भाई के, बेचने के लिए रखे हुए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों अभी आपने जो देखा ये है ट्राउट फिश का फार्म है, तो ये बेचने के लिए रखी है। यहाँ से होटलों वाले ज़िंदा पकड़ के उन्होंने बाहर तालाब बनाए होते हैं, उधर जाके इनको छोड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये दे रहा है 1000 रुपये की केजी दे रहा है ये ट्राउट फिश। मगर प्यारे दोस्तों ट्राउट जो असली फिश है ना, असली ट्राउट फिश वो ये नहीं है। उस ट्राउट फिश पर बड़े बड़े डॉट होते हैं, मगर ये भी अच्छी है, मगर फार्म की मछली फार्म की आपको पता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपको दिखाएंगे असली ट्राउट फिश और उसका शिकार भी करेंगे और प्यारे व्यूवर्स को दिखाएंगे भी। तो ये देखें प्यारे दोस्तों एक फार्म आपने वो ऊपर देखा, एक फार्म ये नीचे है। ये फार्म देखा आपने ऊपर, एक फार्म ये नीचे है। प्यारे दोस्तों यहाँ खुला मैदान बहुत कम है, यहाँ कब्रें 8-10 गज मिल के उनके बाहर जो जगह होती है वहाँ अपने मुर्दों को दफनाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर कब्रिस्तान इधर नहीं है।
और यहाँ खुला मैदान भी बहुत बहुत कम है। तो प्यारे दोस्तों सांस फूल गई है, मगर प्यारे दोस्तों जब भी आपकी सांस फूले आपने कभी पानी नहीं पीना। अगर आप पानी पी लेंगे तो आप वही के वही बैठ जाएंगे। ये आपको पहाड़ों पे चलने के असूल बता रहा हूँ कि पहाड़ों पे कैसे चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऊपर से हम आए हैं, ये रोड है और ये होटल अपना जहाँ हमारा सामान पड़ा हुआ था। तो रास्ते में गाड़ी वाला मिल गया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, ऊपर से कोई पैदल आ रहा हो तो गाड़ी ब्रेक लगा के उससे पूछती है कि भाई आपने नीचे जाना है, हम आपको बिठा लेते हैं। ये है इनकी मोहब्बतें और शफकतें। तो ये देखें भाई लेके आ रहा है चाय हमारे लिए। तो प्यारे दोस्तों हम चाय पियेंगे और यहाँ से रवाना होंगे मानसेरा। यहाँ से हम करते हैं दुआई को, बाय 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 बाय।
प्यारे दोस्तों, बालाकोट हम क्रॉस कर रहे हैं। बालाकोट से कवाई है तकरीबन 22 किलोमीटर, और बालाकोट से मानसरा तकरीबन है 32 किलोमीटर। इंशाल्लाह बेज़निल्लाह हमारा सफ़र रवा है और हमारा सफ़र ख़त्म होगा इंशाल्लाह लाहौर में जाके। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर। तो देखें आगे बालाकोट से मानसरा का सफ़र। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, इस टाइम हम मानसरा में पहुंच गए हैं और टिकट हमने ले ली है, हमारी पास है 5:30 बजे की हमारी पास है। इंशाल्लाह 7.5 घंटे बाद हम लाहौर में होंगे। तो अभी 1 घंटा है, तो आपको मानसरा की सैर कराते हैं। चले हमारे साथ और देखें मानसरा। इस टाइम हम बैठे हैं नियाजी एक्सप्रेस के बिल्कुल सामने। ये होटल है, हम होटल में बैठे हैं। 5:30 का गाड़ी का टाइम है और हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, हम बैठे हुए हैं वेटिंग पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आधा घंटा रह गया है, बस हमारी लग गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5:30 बजे हमारी रवानगी होगी। बिस्मिल्लाह हम 8 घंटे 20 मिनट में हम लाहौर में होंगे। तो प्यारे दोस्तों, रात का सफ़र बिल्कुल सही है क्योंकि बस सीधा मोटरवे पे आती है और कहीं रुकती नहीं है। दिन के टाइम ये अलहदा अलहदा इलाकों से सवारी उठाती है, इसलिए 1 घंटा 2 घंटे लेट हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी बस पे आएँ तो रात 12 बजे वाली लाहौर से टिकट लें। इंशाल्लाह 7 घंटे में आप मानसेरा में होंगे। तो अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकलेंगे, हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। माशाल्लाह जी, हमारी बस आ गई है, सामान हमने रख दिया है। गवाही लेके जा सकते हैं मोटरसाइकिल पे? गवाही 7 बजे वाली। अरे ठीक है, बस मैं आओ। हाँ हाँ, छक के आओ, छक के। पर ठीक है, खैर कोई मसला नहीं, आओ आओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम कलर कार इंटरचेंज पहुंच गए इंशाल्लाह। बाकी 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता रह गया है बिज़्निल्लाह, वो भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से पूरा हो जाएगा। चाय इधर अच्छी है कि वो अच्छी? कुछ साथ बिस्किट वगैरह है? बिस्किट शॉप से मिलेंगे। एक चाय बना, एक चाय जो रिक्शे पे जा रहा है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, 2:30 हो गए हैं मनियाजी अड्डे लाहौर बाग फैयद पहुंच गए हैं। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से हम नियाजी अड्डे पहुंच चुके हैं और हम रक्शे में बैठ गए हैं। इस दफ़ा हम रवाना हो रहे हैं इचरा की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं अपने स्वात हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बगैर वफ़ियत हम वापस अपने आबाई शहर लाहौर पहुंच चुके हैं। आपकी मोहब्बतों से आपकी दुआओं से ये टूर माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे व्लॉग आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों रही बात नेटवर्क की, अगर आप कवाई या शोगरा जाएं तो जोंग की सिम और जैस की सिम अपने साथ लाजम रखें। जोंग का नेटवर्क शोगरा में बहुत अच्छा चलता है और जैस का नेट कवाई में बहुत अच्छा चलता है। तो प्यारे दोस्तों नेटवर्क और पावर बैंक ये सारा सामान आपको इस सफ़र के लिए लाजम रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्लॉग में जो जो मैंने आपको बताया है आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों 2:30 का टाइम है, जिस्म थकन से चूर है, अकेले सफ़र करना भी बहुत बड़ी बहादुरी है और हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इसके साथ ही आज का व्लॉग इसी दुआ के साथ दी एंड करते हैं। अपनों में रहें या ना रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, कामरानी दे, अल्लाह पाक आपकी हर नेक दिली ख्वाहिशात पूरी करें। तो दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।